नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में तेज़ी देखने को मिली। स्पाइसेस के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड आने की वजह से भावों में उछाल देखने को मिला, साथ में डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भी सभी मसालों में तेज़ी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है मसालों में यहाँ तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जीरा में सपोर्ट 13,200, रेजिस्टेंस 14,100। टर्मरिक सपोर्ट 7,450, रेजिस्टेंस 7,650। कोरिएंडर सपोर्ट 6,870, रेजिस्टेंस 7,080। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो ग्लोबल वेदर की वजह से हमने सब एडिबल ऑयल्स में तेज़ी आते हुए देखी है। सोयाबीन, रिफाइंड, सरसों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन में सपोर्ट 7,790, रेजिस्टेंस 8,000। रिफाइंड सोया सपोर्ट 1,342, रेजिस्टेंस 1,373। आरम सीड सपोर्ट 7,260, रेजिस्टेंस 7,500। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर कल हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। सरकार की तरफ से स्टॉक लिमिट हटाने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेड है दालों में भी यहाँ तेज़ी देखने को मिल सकती है और चने के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चना में सपोर्ट 4,800, रेजिस्टेंस 5,000। ग्वार सीड ग्वारकम के अंदर भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है। यहाँ पे फ्रेश बायर देखने को मिले हैं, मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। ग्वार सीड ग्वारकम में भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। ग्वारकम में सपोर्ट 6,650, रेजिस्टेंस 6,850। ग्वार सीड सपोर्ट 4,220, रेजिस्टेंस 4,410। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लगता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।